मनीष झा कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? एक मिनट राजीव, मैं फिर आता हूं आपके पास। मनीष बताइए। जी हाँ बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में अब उस स्थिति पर पहुंच गया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने से पहले एक फाइनल कॉल लेनी है। फाइनल कॉल ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देती है कि इन तीनों कानूनों पर फिलहाल रोक लगाई जाए तो क्या ये आंदोलन वापस हो जाएगा। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों के वकील से कहा है कि हम अगर आपको ये कहें कि आप किसान संगठनों से जाकर ये कहिए कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस आपसे कह रहा है कि आप वापस चले जाएं, तो इस पर आपका क्या कहना है? हाँ। यानी सुप्रीम कोर्ट यहां पर एक असेसमेंट कर रही है, ठीक है, कि अगर हम एक कदम आगे बढ़कर या दो कदम आगे बढ़कर, ठीक है, ये फैसला करते हैं। पुष्पेंद्र सिंह साहब, अब आप जल्दी से बता दीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अहम सवाल आज किसानों के सामने रखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत, इन केंद्रीय कृषि कानूनों को होल्ड कर देती है तो क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा, रास्ते खुल जाएंगे? नंबर ये है कि रास्ता किसानों ने नहीं रोका है। किसान प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर जो है प्रदर्शन होते हैं वहां आ रहे थे, इसको ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करी गई है, सारे लगाए गए हैं, डंपर लगाए गए हैं। और नहीं, सवाल का जवाब दीजिए ना, अगर सुप्रीम कोर्ट होल्ड कर देता है नए कानूनों को तो आंदोलन खत्म होगा या नहीं? हाँ या नहीं में जवाब आ रहा हूँ। अरे हाँ या नहीं के वाले जरा, दो मुद्दे हैं इसके अंदर। नंबर एक रिपील, नंबर दो एमएसपी को बाध्यकारी बनाना। जब तक एमएसपी बाध्यकारी नहीं बनेगी या कमेटी कोई निर्णय नहीं ले लेगी इसके बारे में, अगर कमेटी बनाने का हम स्वागत कर रहे हैं, ठीक है, आप कमेटी एक बना दीजिए, ठीक है, आप इसको स्टे कर दीजिए, ये दोनों बातें ठीक है, लेकिन एमएसपी की पैरेलल घोषणा सरकार कर सकती है जो बाध्यकारी हो सभी पक्षों के ऊपर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर पर भी लागू हो, उसको कानूनी जामा पहना दिया जाए। जब तक ये दो मांगें पूरी नहीं होंगी और किसानों की संतुष्टि कानूनों के हिसाब से नहीं होगी, वो रिपील के माध्यम से हो या अमेंडमेंट के माध्यम से हो, उस पर विचार जो है जॉइंटली किया जाएगा। जी पल्लवी शर्मा, इस पर एक रिएक्शन आपका, कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है? सुप्रीम कोर्ट इस मूड में नजर आ रहा है कि इन तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को होल्ड कर दिया जाए, ये मुमकिन नजर आ रहा है, क्या इसी के पक्ष में थे आप लोग? देखिए समीर जी, कांग्रेस पार्टी हर उस चीज के पक्ष में है जिसके पक्ष में किसान। हमारा स्टैंड पहले दिन से ही बहुत क्लियर है। मुझे एक बात बहुत हास्यपूर्वक लगती है कि बार बार आपके जर्नलिस्ट और इस पैनल पे जितने भी लोगों ने बोला, सब एक ही बात बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से सवाल किया कि अगर कानून होल्ड कर दिए जाएंगे तो क्या प्रोटेस्ट वापस लेंगे या नहीं। जी। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की, उसके बारे में क्यों नहीं बात हो रही? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही है। ये टिप्पणी क्यों नहीं बार बार बोली जा रही? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा हम पूरी तरह से असंतुष्ट है, पूरी तरह से इस बात पे नाराजगी जताते हैं जिस तरह से केंद्र सरकार ने इस मामले को अभी तक हैंडल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की जिसके बारे में बात नहीं हो रही कि 60 किसानों की जान जा चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी, इंडोनेशिया का प्लेन क्रैश होता है, ट्विटर पे उनके साथ सहानुभूति जता सकते हैं कि पूरा भारत उनके साथ खड़ा है, लेकिन 60 किसान मर जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है उनके लिए और उनके परिवारों के लिए। ये सरकार की असहनशीलता, निर्दयता काले अक्षरों में देश के इतिहास में लिखी जाएगी समीर जी। ठीक है राजीव, एक छोटा सा रिएक्शन देंगे, सिर्फ 10 सेकंड है मेरे पास। देखिए समीर जी, मैं इनके बातों का रिएक्शन देने के लिए मैं नहीं हूं, मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट की एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। नहीं नहीं, आप लोग तो कहते रहे ना कि कांग्रेस वाले भड़का रहे हैं इसलिए किसान सड़कों पर हैं। अरे इनको भड़का, ये पूरे आंदोलन के पीछे है, ये देखिए पॉलिटिकली फेल हो चुके हैं, इनको सरकार के खिलाफ कोई आरोप मिलता नहीं है। तो आपके रूप पर सवाल उठ रहे हैं, फिलहाल तो आपके रूप पर सवाल उठ रहे हैं, आप लोग गंभीरता से नहीं ले रहे थे इसीलिए ऐसा है। समीर जी ऑर्डर आ जाने दीजिए, ठीक है, चलिए ऑर्डर का इंतजार कर लेते हैं, ऑर्डर का इंतजार कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ बने रहने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।